हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शांति की खबर, बहुत ही सुखद खबर आ चुकी है, वो भी सूडान से। उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच में शांति समझौता 2 अक्टूबर को साइन होने वाला है और फाइनली सब बात पे बात बन चुकी है। 5 बड़े चरमपंथी ग्रुप, उग्रवादियों ग्रुप और 3 बड़े नेताओं के बीच में ये समझौता हो चुका है, उसके एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। और पूरी दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या है ये एग्रीमेंट, आइए अपन इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि पूरी मीडिया पे तो रिया का ही अभी बुखार छाया हुआ है। तो अपन तो अपने वीडियो पे बने रहते हैं, तो आइए अपने वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे सूडान 18वीं शताब्दी तक तुर्कों के अधीन रहा, 18वीं शताब्दी के बाद इसमें मिस्र आ गया, मिस्र ने वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। और आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर उत्तरी सूडान पे ही उन्होंने अपना शासन स्थापित करा। बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपना शासन वहाँ पे रखा और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने को जब गुलामों की ज़रूरत हुई, जब तेल की ज़रूरत हुई, जब सोने की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने अपने सैनिकों को दक्षिणी सूडान की ओर भेज दिया और कहा कि वहाँ से गुलाम लेकर आए। ये पहला मौका था जब उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों को अलग अलग नज़रों से देखा जाने लगा। तो तब से दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान के बीच में भेदभाव बढ़ गया, क्योंकि दक्षिणी सूडान के लोग वो को गुलाम समझा जाता था। मिस्र वहां पर फनता फूलता रहा। 1911 आते आते वहां पे ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित हो गई। जी हाँ, अंग्रेज जहां भी जाते हैं वहां का सत्यानाश ही होता है, ये बात आपको पता ही है। 1911 आते आते उन्होंने वहां पर अपनी कॉलोनी स्थापित कर दी और मिस्र के साथ जाके व्यापार समझौता एग्रीमेंट साइन करा, जिसके साथ मिस्र और इंग्लैंड दोनों सूडान के ऊपर राज करते थे। पर अंग्रेज वहां पे गए तो उन्होंने एक बात नोट करी, वो बात ये थी कि जितना भी विकास, जितना भी डेवलपमेंट हुआ था वो केवल उत्तरी सूडान का हुआ था, दक्षिणी सूडान का नहीं हुआ था। अब जब दक्षिणी सूडान का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि दक्षिणी सूडान को डेवलप कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम करा, उन्होंने 1920 में इसको बंद कर दिया। जी हाँ, पूरे दक्षिण सूडान को बंद कर दिया और कहा कि अब हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। अब आपको तो पता ही है ब्रिटिशों का डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और जिनको भी डेवलपमेंट चाहिए था उन सबको बाइबल पकड़ा दी। तो देखते ही देखते जो दक्षिणी सूडान के लोग जो ज़्यादा मुस्लिम बहुतायत में थे वो ईसाई में कन्वर्ट हो गए और अब दक्षिणी सूडान में ईसाई लोग रहने लग गए, उत्तरी सूडान में मुस्लिम लोग रहने लग गए। तो झगड़ा की, भेदभाव की जो कड़ी मिस्र ने शुरू करी थी वो और बढ़ गई। जैसे ही 1920 के बाद वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत शुरू हुआ जोरों शोरों से, न केवल उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान के बीच में गैप बढ़ गया। हाँ तो इसी के बीच 1960 में अल बशीर, जो कि एक तानाशाह नेता थे, वो सूडान के राष्ट्रपति बन गए। 1960 से 2011 तक उन्होंने अपना तानाशाही रवैया जारी रखा और करीबन 30 लाख लोग इस गृह युद्ध में मारे गए। जी हाँ मेरे दोस्तों, 30 लाख लोग इस गृह युद्ध में मारे गए, जो जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने केवल अल बशीर को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने जितना भी विकास करा वो उत्तरी सूडान में करा, जितना भी भेदभाव हुआ वो दक्षिणी सूडान के साथ हुआ। ना केवल उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था लागू करी, लेकिन वो भी केवल उत्तरी सूडान तक ही सीमित रही। उन्होंने जितने भी फ्लाईओवर बनाए, जितने रोड्स कंस्ट्रक्शन करे वो सब उत्तरी सूडान में करे, दक्षिणी सूडान तक विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं पहुंचा था। देखिए, कहानी 18वीं शताब्दी से शुरू हुई थी और 20वीं शताब्दी आते आते कुछ भी सूडान के पास नहीं पहुंची। 21वीं शताब्दी में भी अल बशीर ने पास कुछ नहीं पहुंचा। तो 2011 में पश्चिमी देशों ने उनके ऊपर दबाव बनाया और 2011 में उन्होंने
उत्तरी सूडान को दक्षिण सूडान को अलग अलग देश बनाया, एक सूडान को अलग कर दिया जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग किया गया था, जिसे उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान को अलग कर दिया गया। अब अंग्रेज वहां पे कॉलोनी थी और वो चाहते थे कि दक्षिणी सूडान का हिस्सा बना रहे, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको एक बात वहां पे और पता होनी चाहिए कि दक्षिणी सूडान में तेल के भंडार बहुत ज्यादा है। जी हाँ, दक्षिणी सूडान में उत्तरी सूडान से तेल के भंडार बहुत ज्यादा है और वहां पे हाथी दांत का व्यापार भी होता है, इसलिए दक्षिणी सूडान की वैल्यू ज्यादा थी, उत्तरी सूडान से कम वैल्यू थी, लेकिन जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो उत्तरी सूडान में हुआ। इसलिए दोनों देशों के बीच में हमेशा से जंग चलती रही, दोनों में अलग अलग चरमपंथी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने जन्म लिया, कोई दक्षिणी सूडान की बात करता था, कोई उत्तरी सूडान की बात करता था। तो 2011 से 2020 तक आ चुके हैं, लेकिन गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, दोनों के बीच में कभी भी शांति वार्ता हो नहीं पा रही, 5 उग्रवादी वहां पर ग्रुप हैं जो अपनी मांगे मनवा रहे हैं। लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीजें अब बदलने वाली है, दक्षिणी सूडान भी अब विकास की ओर आने वाला है, वहां की जनता भी अब अपने नए घर को देख पाएगी, वहां पर हिंसा का दौर खत्म होगा, शिक्षा रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और जो उनकी क्रूड इंडस्ट्री है, जो ऑयल है, जिस पर अभी भी 70% पश्चिमी देशों का हिस्सा है, वो वहां के सूडान के नागरिकों को और वहां के प्राइम मिनिस्टर सलावा कीर और वहां के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने 5 रिबेल ग्रुप्स के साथ, जो मेन ग्रुप्स हैं दक्षिणी सूडान में जिन्होंने अराजकता फैला रखी है, उनके साथ एग्रीमेंट फाइनल कर दिया है कि अब और हिंसा नहीं होगी, उनकी सारी मांगे मान ली जाएगी और वहां पर विकास किया जाएगा। उसमें ये बात भी कही गई है कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं इस हिंसा की वजह, वो अपने घर वापिस आएंगे, जिन्होंने अपने परिवार खो दिए हैं वो अपना परिवार वापिस से पा सकेंगे, जो भी लोग अपना पलायन करके गए हैं अपने गांव से अपने शहर से, वो सब वापिस आके वहाँ पे जीवन यापन कर सकेंगे। जी हाँ, ये लड़ाई है इस्लाम वर्सेस ईसाई लोगों के बीच में, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान ने मामला सुलझा लिया। ये पहला मौका है जब किसी पश्चिम देश के सहयोग के बिना, जी हाँ, न अमेरिका, न ब्रिटेन, न फ्रांस, न इटली, किसी भी पश्चिमी देश के सहयोग के बिना दो देशों ने बिना आर्मी का यूज करे अपने यहाँ पर गृह युद्ध को शांत कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि अब दक्षिणी सूडान के लोगों को उनका हक मिलेगा, जो तेल के वो मालिक हैं उससे वो उनके जगह का विकास करेंगे। और मैं हूँ डॉक्टर आनिया साहब का दोस्त, और कैसा लगा है वीडियो और क्या रखते हैं आप अपनी कमेंट, प्लीज मुझे जरूर बताइए।